नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज स्टेट पर। आपके साथ मैं हूँ सोनाली सिंह। दोपहर के 12 बजने वाले हैं और वक्त हो चला है बड़ी खबर का। सबसे पहले बड़ी खबर आपको बताते, राहुल गांधी से जुड़ी हुई। राहुल गांधी संसद भवन पहुंच चुके हैं। आज ही राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल हुई है। कांग्रेस सांसदों ने उनका जोरदार स्वागत किया है। तो आज ही राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल हुई और राहुल गांधी संसद भवन पहुंच चुके हैं। यहां पर कांग्रेस की ओर से तैयारियां की गई थी, जोरदार तैयारियां यहां पर कांग्रेस की ओर से की गई थी। स्थानीय कलाकारों को बुलाया गया था। आज ही राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हुई। जोरदार स्वागत कांग्रेस सांसदों ने उनका किया है संसद में। और जिस तरीके से कांग्रेस ने एक लंबी लड़ाई लड़ी, कांग्रेस के तमाम बड़े नेता प्रदर्शन करने उतरे थे सड़क पर, लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का जब रुख किया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी। और अब ये तस्वीरें बेहद महत्वपूर्ण, राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल हुई और उसके बाद राहुल गांधी संसद भवन पहुंचे। कांग्रेस सांसदों की ओर से उनका जोरदार स्वागत किया गया और ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से राहुल गांधी करीब 136 दिनों के बाद संसद पहुंचे हैं। लोकसभा सचिवालय ने इसे लेकर बकायदा अधिसूचना जारी की। सदस्यता बहाली की अधिसूचना लोकसभा सचिवालय की ओर से जारी की गई और उसके तुरंत बाद राहुल गांधी संसद भवन पहुंचे, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। 136 दिन बाद राहुल गांधी संसद भवन पहुंचे हैं और यहां पर जिस तरीके से मॉनसून सत्र के दौरान राहुल गांधी अपनी बात रखेंगे, ये भी कहा जा रहा है कि अविश्वास प्रस्ताव पर राहुल गांधी अपनी बात रख सकते हैं। लोकसभा सचिवालय में इसे लेकर अधिसूचना जारी की है और कांग्रेस सांसदों की ओर से राहुल गांधी का जोरदार स्वागत किया गया है। ये राहुल गांधी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को एक बड़ी राहत दी, उनकी जो सजा थी उसे हटाया गया और उसी के साथ राहुल गांधी की सदस्यता बहाल कर दी गई। मोदी सरनेम को लेकर यह पूरा विवाद हुआ था। सूरत हाईकोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई थी, उसके बाद राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का राहुल गांधी ने रुख किया और सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को एक बड़ी राहत मिली। और इसी के साथ आज का दिन कांग्रेस के लिए बेहद महत्वपूर्ण, किसी संजीवनी बूटी की तरह कांग्रेस के लिए आज का दिन है। और चलिए सहयोगी राहुल डबास इस वक्त जुड़ गए हैं। राहुल, तस्वीरों के जरिए हम देख रहे हैं किस तरीके से राहुल गांधी का कांग्रेस सांसदों की ओर से जोरदार स्वागत किया गया और कहीं ना कहीं आज कांग्रेस के लिए बड़ा दिन, महत्वपूर्ण दिन और किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं, चूंकि विधानसभा चुनाव नजदीक, लोकसभा चुनाव नजदीक और ऐसे में राहुल गांधी को सदस्यता वापस मिलना एक बड़ी जीत कांग्रेस की। अधिकतर 13 अगस्त तक मानसून सत्र चल रहा है, ऐसे में जब अविश्वास प्रस्ताव होगा तो उसमें राहुल गांधी संसद के अंदर से लोकसभा के पटल पर अपनी बातें रख सकते हैं मुखर तरीके से, जिस तरीके से पहले वो मोदी सरकार की आलोचना करते हुए नजर आए। तो तात्कालिक महत्व तो ये है कि आने वाले विधानसभा चुनाव, जिसमें कई राज्यों के चुनाव हैं जो सत्ता के सेमीफाइनल के तौर पर हैं, और मानसून सत्र के अंदर जब राहुल गांधी अविश्वास प्रस्ताव पर अपनी बात रखेंगे। लेकिन अगर इसके अगले साल यानी 2024 के लिहाज से देखें तो ज्यादा बड़ा महत्व है, क्योंकि अब इंडिया अलायंस बन चुका है और ऐसे में सवाल ये था कि राहुल गांधी को चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं था। जिस तरीके से 2 साल की सजा दी गई थी, अब सुप्रीम कोर्ट ने उस सजा पर विराम लगा दिया है। उसके बाद राहुल गांधी की सदस्यता चली गई थी, वो लोकसभा चुनाव नहीं लड़ सकते थे। ऐसे में सवाल ये था कि अगर इंडिया अलायंस सत्ता में आता है तो प्रधानमंत्री का चेहरा कौन हो सकता है, उसे लेकर के बहुत सारे विकल्प थे। अब कांग्रेस को लगता है कि राहुल गांधी क्योंकि संसद में आ गए हैं, लोकसभा में आ गए हैं, चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसे में इंडिया अलायंस के भी कांग्रेस की जो उम्मीदें हैं वो पहले से कहीं ज्यादा हो चुकी है। तो तात्कालिक राहत तो है ही, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिहाज से बात करें तो आने वाले 1 साल में कांग्रेस की पूरी रणनीति राहुल गांधी के संसद में पहुंचते ही पूरी तरीके से बदली हुई है। जी राहुल, जिस तरीके से लोकसभा की ओर से अधिसूचना जारी की गई लोकसभा सचिवालय की ओर से और अब राहुल गांधी संसद भवन पहुंचे हैं, करीब 136 दिन बाद राहुल गांधी संसद भवन पहुंचे हैं, ऐसे में मुखर तौर पर वो अपनी बातों को रखेंगे जैसे वो पहले रखते आए हैं, और चूंकि मानसून सत्र है, अविश्वास प्रस्ताव है, और ऐसे में राहुल गांधी की भूमिका बेहद अहम हो जाती है कांग्रेस में। निश्चित तौर से अहम हो जाती है क्योंकि इन 126 दिनों में बहुत कुछ हुआ। जो राहुल गांधी की भारत यात्रा थी वो पूरी हो गई थी, उसके बाद
उनकी सदस्यता चली गई थी। हालांकि जो फैसला था वो कोर्ट की तरफ से आया था, लेकिन कांग्रेस ने जो प्रिज्यूम करते हैं, जो जनता का परसेप्शन है, उसमें ये कहने की कोशिश की कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से मौजूदा सरकार डरी हुई नजर आ रही है। इस दौरान हमने देखा किस तरीके से 12 तुगलक रोड खाली हो जाता है, राहुल गांधी का आवास चला जाता है, लेकिन राहुल गांधी कहते हैं कि मैं सावरकर नहीं हूं, मैं माफी नहीं मांगूंगा। तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी चीज पर, अपनी चीजों पर बुरी तरीके से कायम हूं। और अब जो वापसी हुई है तो नए जोश के साथ कांग्रेस भी है, नए जोश के साथ राहुल गांधी भी है, और राहुल गांधी काफी हद तक एक चेहरा बन सकते हैं इंडिया अलायंस के लिहाज से। और ये सबसे बड़ी भूमिका होगी, ना सिर्फ आने वाले विधानसभा चुनाव को लेके, ना सिर्फ अविश्वास प्रस्ताव और मानसून सत्र को लेके, बल्कि 2024 के लोकसभा चुनाव के लिहाज से भी। राहुल, चूंकि आप इंडिया अलायंस की बात कर रहे हैं, तो इंडिया अलायंस में राहुल गांधी एक प्रमुख चेहरा हो सकते हैं, लेकिन अगर अलग अलग पार्टियों की महत्वाकांक्षाओं की बात करें, अलग अलग नेताओं की महत्वाकांक्षा की बात करें, चाहे नीतीश कुमार की बात कर लें, ममता बनर्जी की बात कर लें, तो इन सभी की महत्वाकांक्षाएं हैं। ऐसे में राहुल गांधी के तौर पर कांग्रेस अगर राहुल गांधी को सामने रखेगी तो क्या एक सहमति बन पाएगी, ऐसा लगता है? देखिए, सहमति नहीं बन पाएगी ये निश्चित मान के चलिए, और ये तो अगर मगर की डगर है कि अगर 2024 में मोदी सरकार सत्ता से चली जाती है और इंडिया अलायंस एक ऐसी स्थिति में आता है कि उनकी सरकार, वो सरकार बनाने की स्थिति में हो, तो अब नहीं बन पाएंगे, इसमें बिल्कुल कोई संदेह नहीं है, क्योंकि सभी ऐसे चेहरे हैं। अगर दक्षिण भारत से शुरुआत करें, डीएमके से लेकर के, और उसके अलावा टीआरएस की बात करें, ममता बनर्जी का आपने जिक्र किया, ममता बनर्जी इसी आधार पे कांग्रेस को छोड़ के गए थे, शरद पवार बिल्कुल भूल जाते हैं। चलिए राहुल, आपसे एक बार फिर से जुड़ेंगे, फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और चलिए मधुरेंद्र क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं वो आप सुनिए। जैसे कि उसने अपने एक जीत को दर्ज किया है खासतौर पे बीजेपी के ऊपर, और इस तरह के माहौल को बनाने की कोशिश जो है वो संसद से सड़क तक की जा रही है। अब चूंकि सदस्यता वापस आ गई है, लिहाजा सदन की कार्रवाई में वो हिस्सा ले सकते हैं। ये और बात है कि उनके आने के साथ ही एक बार और कार्रवाई जो है वह एडजर्न हो गई है, लेकिन 2 बजे फिर कार्रवाई शुरू होगी, तो उनके पास फिर से एक बार सदन में जाने का मौका होगा और अपनी बातों को रखने का मौका होगा। अगर उस वक्त हंगामा नहीं चढ़ता है तो निश्चित तौर पर जो है हम कह सकते हैं कि सदन में उनको एक वक्त जो है कम से कम बैठने का मिलेगा। तो बिल्कुल, देखिए राहुल गांधी की चूंकि सदस्यता वापस मिल गई है, 176 दिनों बाद राहुल गांधी संसद भवन पहुंचे हैं, और हालांकि अभी जो कार्यवाही थी उसे स्थगित कर दिया गया है। 2 बजे के बाद एक बार फिर से कार्यवाही की शुरुआत होगी, और उस वक्त राहुल गांधी को मौका मिलेगा बोलने का। चूंकि देखिए ये मानसून सत्र है, बेहद महत्वपूर्ण, और अविश्वास प्रस्ताव भी इसमें लाया गया है, तो ऐसे में राहुल गांधी की भूमिका बेहद अहम हो जाती है, और कांग्रेस के लिए एक बड़ी राहत जाहिर तौर पर है, चूंकि एक बड़ी लड़ाई कांग्रेस की ओर से लड़ी गई और अब जाकर राहुल गांधी को अपनी वापस उचित मानो उसकी सजा पर कुछ दिन के लिए रोक लग जाए, उस रोक लगने मात्र से उसको निर्दोष मानते हुए उसके ऊपर सेलिब्रेट करना, ये लोकतंत्र का भी अपमान है और दुर्भाग्यपूर्ण भी है। अविश्वास प्रस्ताव पर कहा गया कांग्रेस ने कि वो बोले, तो किस तरीके का माहौल होगा जब वो भी अविश्वास प्रस्ताव? चलिए वो तो समय बताएगा। और चलिए इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। 2 बजे तक कार्यवाही स्थगित कर दी गई है, लोकसभा की कार्यवाही दोपहर के 2 बजे तक स्थगित कर दी गई है। राहुल गांधी के पहुंचते ही कार्यवाही स्थगित कर दी गई, 2 बजे एक बार फिर से कार्यवाही की शुरुआत होगी। राहुल गांधी के संसद पहुंचते ही सदन को स्थगित कर दिया गया है, बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो मानसून सत्र इस वक्त चल रहा है, दोपहर 2 बजे तक कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। कांग्रेस में इस वक्त खुशी की लहर है, क्योंकि राहुल गांधी 136 दिनों के बाद संसद भवन पहुंचे, लेकिन राहुल गांधी के पहुंचते ही कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। अब 2 बजे तक कार्यवाही स्थगित है, 2 बजे के बाद एक बार फिर से कार्यवाही की शुरुआत होगी, और उस वक्त राहुल गांधी संसद भवन में मौजूद होंगे। क्या कुछ उनकी ओर से कहा जाता है, किस तरीके से बीजेपी पर निशाना साधा जाता है, वो देखने वाली बात होगी। लोकसभा की कार्यवाही स्थगित हो गई है दोपहर के 2 बजे तक, और राहुल गांधी चूंकि संसद भवन पहुंचे हैं, 136 दिनों के बाद करीब राहुल गांधी संसद भवन पहुंचे, कांग्रेस के लिए एक बड़ी राहत, एक बड़ी लड़ाई कांग्रेस की ओर से लड़ी गई, उसके बाद राहुल गांधी को अपनी संसद सदस्यता वापस मिली है। जिस तरीके से राहुल गांधी लगातार
ये विरोध भी कर रहे थे, साथ ही कांग्रेस के जो तमाम बड़े चेहरे हैं, बड़े नेता, लगातार विरोध प्रदर्शन उनकी ओर से किया जा रहा था। अब जाकर उन्हें राहत जरूर मिली है और इसी से जुड़ी बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप